हेलो और वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे प्लम्बर्स के बारे में। वैसे तो बेंटन के सभी सीजन्स में प्लम्बर्स का काफ़ी अच्छा रोल दिखाया गया है और हर सीजन में प्लम्बर्स दिखाए गए हैं, पर हमको उनके बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया। आज की वीडियो में प्लम्बर की ओरिजिन और बहुत कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक वॉच करना। ओरिजिन ऑफ प्लम्बर। प्लम्बर को 17 BC में बनाया था, जब वॉशिंगटन BC USA के पहले प्रेसिडेंट बने हुए थे, और उन्हें प्लम्बर्स का क्रिएटर भी कहा जाता है और उनको पहला प्लम्बर भी माना जाता है वॉशिंगटन BC को। प्लम्बर को बनाने का सबसे बड़ा मकसद था कि वो अर्थ को सेव करें एलियंस अटैक्स और मॉन्स्टर अटैक्स से। प्लम्बर अर्थ को सेव कर सकें और प्लम्बर सीक्रेट अटैक्स पर भी काम करते हैं जिन पर अर्थ का कानून काम नहीं करता। बिल्कुल शील्ड की तरह शील्ड भी यही काम करता है अर्थ को सेव करने का, और प्लम्बर भी यही काम करते हैं। पर प्लम्बर और शील्ड में काफ़ी डिफरेंस है। अगर आपको प्लम्बर और शील्ड में डिफरेंस जानना है तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, पर इस वीडियो पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, छवि वीडियो बन पाएगी नहीं तो नहीं। प्लम्बर्स का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन के क्लासिक में हुआ था, और जब हमको बताया गया था कि प्लम्बर एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एलियन खतरे से अर्थ को सेव करती थी। प्लम्बर्स का मेन मोटिव था कि वो विलगेक्स के खतरे से अर्थ को सेव कर सकें। मैक्स टेनिसन जो कि प्लम्बर थे, उन्होंने बिलगेक्स को एक बार अच्छी तरीके से डिफीट कर दिया था। मैक्स टेनिसन और उनके रिलेटिव प्लम्बर्स कुछ अलग अलग हो गए थे और कुछ प्लम्बर्स ने उनके साथ गद्दारी भी की थी, और उसके बाद मैक्स टेनिसन को रिटायर भी कर दिया था। लेकिन जब बेन को ओमेट्रिक्स मिली तो मैक्स टेनिसन ने बेन को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेन किया और बेन के साथ कई लड़ाई में साथ भी दिया। एक एपिसोड में दिखाया गया कि एक नैनोचिप लड़की एक प्लम्बर के बेटे से शादी कर लेती है, फिर उसके बाद नैनोचिप भी उनके साथ शामिल हो जाती है और उनकी काफ़ी सालों की दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। फिर बेंटन एलियन फोर्स में प्लम्बर्स को रिवील किया जाता है और उनको बताया जाता है कि ये इंटर गैलेक्टिक लॉ हैं, जैसे इसका मतलब कि ह्यूमंस और एलियंस मिलजुल कर काम कर सकते हैं। प्लम्बर्स ने बेन की हाइब्रिड और फेरनाइट से फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। सो गाइस, आपको ध्यान हो कि हमें अल्टीमेट एलियन में बताया जाता है कि अर्थ की गवर्नमेंट भी प्लम्बर को जानती है और वो प्लम्बर से हेल्प लेती है अपने अर्थ को सेव करने में। और हाँ, बेंटन अल्टीमेट एलियन में तो बिलन को एग्रीकोर बिलन को रोकने के लिए भी प्लम्बर्स काफ़ी हेल्प करते हैं बेंटनसन की। सो गाइस, पहले जब प्लम्बर बिलन्स को पकड़ते थे तो उन्हें नरबॉर्ड में डालते थे, और फ्यूचर में उन्होंने उनके लिए एक स्पेस में जेल भी बना दी, और कुछ अकेडमीज भी हैं जो प्लम्बर यहाँ पर नए प्लम्बर्स को ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो आगे प्लम्बर बन सकें। सो दैट्स इट, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, आज की वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बता देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, सपोर्ट करो चैनल को कैसे भी करके, शेयर करो वीडियो को, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और लाइक कमेंट शेयर कर देना, और बताना प्लम्बर्स के ओरिजिन तुम्हें कैसी लगी, और हाँ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो उसे भी कमेंट बता देना। एंड स्क्रीन पर 2 वीडियोज़ आ रहेंगी, किसी को भी क्लिक करो, इन्जॉय करो, और बाय।